आप सोचो परमात्मा कितना ऊंचे ते ऊंचा है कितना प्यारे ते प्यारा है उसका संदेश भी कितना ऊंचा बनाने वाला है और कितना मीठा निस्वार्थी बनाने वाला है तो मैं आज बहुत थोड़े में आपको परमात्म संदेश सुना रही हूँ परम पिता परमात्मा शिव जिसको हम ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा मानते हैं और सब भी मानते हैं गाड इज लाइट सब कहते ही है उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का संदेश निराकार का संदेश आप सोचो कैसे मिलेगा निराकार तो बोल नहीं सकता मुख से लेकिन परम पिता परमात्मा ज्योतिष स्वरूप परमात्मा शिव ने अपने बहुत प्यारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमको अपना संदेश दिया है इसलिए मैं उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा को का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ संदेश क्या है मैं सिर्फ दो शब्द आपको याद दिलाती हूँ ज़्यादा भूल भी जाए तो आज के दिन के दो शब्द कभी नहीं भूलना और इस दो शब्दों में आपके जीवन का जितना ऊंचा कल्याण चाहते हो उतना हो सकता है ऐसी सफलता की श्रेष्ठ परिवर्तन की व अपने श्रेष्ठ भाग्य जगाने की चाबी आज हम आपको दे रहे हैं दो शब्दों की वो दो शब्द कौन से हैं पिताश्री प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने यही हमें बोला कि बच्चे सिर्फ दो शब्द को जानो एक को जानो मैं कौन ये भी बहुत बड़ी पहेली है हमको याद है हम नौ वर्ष के इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बने तब हम बहुत छोटे थे और पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा ने बच्चों के लिए एक गुरुकुल के रीति से बोर्डिंग खोला था और हम छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पढ़ते थे और ज्ञान की धारणा के क्लासेस करते थे स्थूल पढ़ाई भी हिंदी सीखना क्योंकि हम सिंध से थे हिंदी सीखना लिखना ये सब हम वहाँ ही सीखे हैं तो उस समय का सीन मुझे याद है कि हम लोग एक डायलाग करते थे जो भी वहाँ बोर्डिंग देखने आते थे ऑफिसर्स उनको हम छोटे छोटे बच्चे हमारे से भी छोटे करते थे एक डायलाग सुनाते थे उनको को तो डायलॉग क्या था एक थी ब्रह्मा कुमारी और दूसरा था भूला भाई सौदाई भूला भाई भूलने वाला तो डायलॉग में ब्रह्मा कुमारी उससे पूछती है भाई जी आप कौन हो आप जानते हो आप कौन हो तो वो भाई कहता है ये कोई पूछने की बात है मैं कौन हूँ मैं मानव हूँ मैं बड़ा ऑफिसर हूँ ये हूँ वो हूँ जो अपने पेशन देते ही है वो पूछती हूँ आप कौन हो तो वो बेचारा आश्चर्य में आता है मैं कौन हूँ ये तो जानता ही हूं ना तो ब्रह्मा कुमारी उसको कहती है कि देखो जो आपने ऑक्यूपेशन दिया वो तो आपके शरीर का हुआ शरीर तो आप कहते हो मेरा है मैं पूछती हूँ मैं कौन वो बताओ मेरा तो आपने बता दिया मैं ऑफिसर हूं मैं ये हूँ मैं ये हूँ मानव हूँ मानव का शरीर है लेकिन आप कौन हो तो वो थोड़ा सोचने लगता है फिर ब्रह्मा हमारी उसको समझाती है तो देखो मैं और मेरा दो शब्द है आप कहते हो शरीर मेरा है आज मेरे सिर में दर्द है कभी ये नहीं कहते हो आज मैं सिर में दर्द है आज मेरा मन जो है वो उदास है मैं मन उदास हूँ ये कभी भी नहीं कहते हो तो जहाँ मेरा शब्द आता है उससे बिना मैं मालिक होता है कोई भी चीज़ मैं कहती हूँ मेरी है तो मैं मालिक हूँ तब कहती हूँ ये मेरी है या मेरा है तो इस शरीर का मालिक मैं कौन स्व हो पहचानो तो आप जानते ही हो कि मैं ज्योति स्वरूप ब्रकुट्टी के बीच में चमकने वाली आत्मा हूं तो ये मैं कौन का ज्ञान उसको बहुत अच्छी तरह से डायलॉग में ही सुनाते थे और वो हँसते रहते थे हाँ बहन बात तो ठीक है बच्चों ने बात तो बहुत अच्छी सुनाई तो आज भी मैं वही परमात्म संदेश आप सबको दे रही हूँ कि स्व को पहचानो मैं कौन और पहेलियाँ तो आप बहुत हल करते होंगे लेकिन मैं कौन की पहेली अगर आप हल कर देते और प्रैक्टिकल में लाएंगे तो वहाँ तो आपको छोटी मोटी प्राइज़ मिल जाती हैं लेकिन इस पहेली को जानने से मैं आपको अनुभव के आधार से निश्चय दिलाती हूँ कि इस पहेली को जानने से आपको जो जीवन में आवश्यक चीज है हेल्थ वेल्थ और हैप्पी ये तीन चीज जीवन में सब चाहते हैं एक चीज भी कम होती है तो मानव समझते हैं ये जीवन क्या है तो इस पहेली को जानने से आपको एक जन्म के लिए नहीं लेकिन अनेक जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये बहुत सहज प्राप्त हो सकती है। ये प्राइज है परमात्म प्राइज़ है वो प्राइज़ तो कॉमन है लेकिन ये परमातम प्राइज़ आपको अगर लेनी है तो ये एक शब्द याद रखना स्व को पहचानना और दूसरी बात मैं दूसरा शब्द सुना रही हूँ वो है समय को भी पहचान क्योंकि समय के पहचान से ही सब कार्य चलता है अगर समय का परिचय नहीं होता तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं तो समय को भी पहचानो क्या पहचानो समय को तो अभी कौन सा समय चल रहा है हम आपको बहुत खुशखबरी सुनाने चाहते हैं कि अभी का जो ये समय है वो बहुत महत्वपूर्वक समय है इस समय पर जो गाया हुआ है कि क्या ब्रह्मा जब भाग्य बांटने आए तो आप सोए हुए थे तो वो समय कौन सा था जिसमें ब्रह्मा ने भाग्य बांटा वो अभी का समय चल रहा है ब्रह्मा पिताश्री ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा के तरफ से सबको भाग्य बांट रहे हैं ये भाग्य बांटेगा नहीं हमारे कई भाई बहन समझते हैं पता नहीं कब परमात्मा आएगा पता नहीं कब आके जगाएंगा पता नहीं भी आके परिवर्तन करेंगा लेकिन हम आपको खुशखबरी सुनाने चाहते हैं कि इस समय इस समय को कहते हैं संगम संगम जहाँ दो मिलते हैं तो अभी कलयुग का अंत और सत्यु की आद का संगम युग चल रहा है और इसमें आप जितना भी ब्रह्मा बाप द्वारा भाग्य बनाने चाहे उतना बना सकते हैं शिव बाबा ने हमको कलम भी दिया है अपने हमारे हाथ में एक कलम भी दिया है कि जितना आप उस कलम से भाग्य बनाने चाहो उतना बना सकते हो वो कलम है श्रेष्ठ कर्मों का कलम ये श्रेष्ठ कर्म जिसको ही हम कहते हैं मॉरल वैल्यू वाला जीवन नैतिक मूल्यवान जीवन ये शिव बाबा कहते हैं कि इस कर्म रूपी कलम से आप जितना भी अपना भाग्य की लकीर लंबी बनाने चाहो उतनी बना सकते हो तो आज मैं आपको ये दो शब्द ही बार बार याद दिला रही हूँ एक स्व और दूसरा समय को पहचानो लेकिन मैं इतना ज़रूर आपको कहूँगी कि समय ज़्यादा नहीं है अति में जा ही रहा है सब समस्याएं अति के बाद अंत ही आता है और अंत के साथ आद होता है ये तो नियम है सृष्टि का तो कलयुग का अंत होगा तो आद क्या होगा सतयुग ही होगा ना नई सृष्टि होंगी ना तो हम आपको यही कहेंगे तो उस नई सृष्टि जिसमें सुख शांति आनंद प्रेम संपत्ति सब होगा ऐसी दुनिया के लिए आप भी अपना सहयोग दे करके श्रेष्ठ कर्मों का सहयोग दे करके के अपना भाग्य जितना बनाने चाहे उतना बनाइए ओम जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं सत्तर प्रतिशत से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए किसी भी आयु धर्म संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं विविध प्रशिक्षण जैसे स्व प्रशासन एवं नेतृत्व तनाव मुक्त जीवन सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी है तो हमारे पर जाएं। अपने सेवा केंद्र से संपर्क करें। ऐसे कहा जाता है कि समय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा खजाना है जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना सीख लिया उसका जीवन सार्थक हो गया जीवन की सफलता का आधार मनुष्य अपना समय कहाँ पर यूज करता है उसके पर रहता है महात्मा गांधी ने अपने जीवन का समय भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने लिए किया आज इतिहास में उनका नाम अमर हो गया उनके पास भी हमारी तरह 24 घंटा ही था चौबीस घंटे का समय उन्होंने उस रीति से उपयोग किया कि एक दिन में अनेक घंटों का काम किया मनुष्य के पास जो समय है वो कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन वो कैसे उपयोग किया जाता है वो महत्वपूर्ण है कई बार व्यक्ति घंटों तक फालतू विचारों में बैठा रहता घंटों तक बिन जरूरी बातों में व्यस्त रहता और फिर कहता मेरे को कोई अच्छा काम करने का समय नहीं मिलता परंतु जिसको अच्छा काम करना है जिसको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है वो तो थोड़े समय में भी बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसलिए जो कुछ हमें प्राप्त है उसका हम सदुपयोग करें ये बड़ी बात होती है कहा जाता है टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स फॉर एनी वन समय किसी के लिए रुकता नहीं है अगर हम कार्य में जुटे रहे या नहीं समय की घंटी तो आगे बढ़ती रहती है घड़ी के कांटे किसी के भी शर्म नहीं करते किसी का भी पक्षपात नहीं करते इसलिए मेरे हाथ में जो मेरे जीवन का अमूल्य खजाना समय है उसका मुझे सदुपयोग कर लेना है जैसे एक बहुत अच्छा गीत है ये वक्त जा रहा है करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है समय तो पानी की तरह बह जाएगा और मैंने कुछ नहीं किया तो जीवन के अंत में खाली महसूस होगा जो जीवन मिला उसको ऐसा उपयोग करे जो जीवन का अंत संतोषजनक हो इसलिए मनुष्य के जीवन का अनमोल समय एक बहुत बड़ा खजाना है आप शांति से सोचिए आप अपना समय कहाँ व्यस्त करते हैं कहाँ पर यूज करते हैं विशेष रूप से देखा जाए वर्तमान समय कौन सा समय है कई बार लोग अपना समय केवल फरियाद करने में या निराशा के सुर निकालने में या रोने में गंवा देते हैं मुझे मेरे जीवन का समय एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में यूज़ करना चाहिए जो कुछ घंटों में थोड़े समय में इतना प्रॉफिट कमा लेता जो कई बार उसकी सात पीढ़ी भी खा सकते किसान देखो जब बरसात के दिन होते बरसात की सीजन होती अपना समय कितना अच्छी तरह से यूज़ करता जो सारे साल की फसल ले लेता मेरे जीवन में भी ये कौन सी सीजन है कौन सा समय है और मुझे उसे कहाँ और कैसे यूज़ करना है कहा जाता है मनुष्य के जीवन की सच्ची सफलता है वो ईश्वर के नज़दीक पहुँचे मनुष्य के जीवन का सच्चा सार्थक यह है कि वो कुछ परमात्मा प्राप्ति करे तो वास्तव में समय को केवल खाने में पीने में कमाने में बच्चों आदि के साथ यूज़ करने में या सोशल कार्यक्रमों में जाने में ही यूज़ नहीं करना है लेकिन हमें कुछ आध्यात्मिक जागृति के लिए भी अपने जीवन का समय निकालना है अपने आत्मा के कल्याण के लिए अंदर की ज्योत जगाने के लिए ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए भी अपना समय निकालना है कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखना चाहिए तो मेरे जीवन का समय इन दोनों के बैलेंस में जा रहा है मुझे मुझे देखना है क्योंकि अगर संतुलन नहीं होगा तो असंतुलन होगा और अगर असंतुलन होगा तो जीवन जीने की मजा नहीं आएगी तो सवेरे से उठकर रात तक हम देखें मेरा समय कहां जाता किन बातों में जाता किन विचारों में जाता किन कर्म में जाता क्योंकि जहां मैंने अपना समय लगाया तो वो जैसे मैंने एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया कोई भी व्यक्ति कहाँ पर कोई भी बात का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सोचता है कि उससे मुझे कैसा फायदा होगा घाटे में अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया तो कहा जाएगा ये अकलमंद व्यक्ति नहीं है तो संसार के कारोबार में तो हम हमेशा ही घाटा और फायदा सोच लेते हैं क्या अपने आंतरिक जीवन के भी घाटे और फायदे को हमने कभी सोचा है तो आंतरिक जीवन का घाटा और फायदा किस बात पर आधारित है जहां पर हम अपना समय लगाते कई बार हम इतना अलबेले हो जाते या कई बार हम इतना साधारण रीति से अपना समय गवाते जो तो हम सोचते नहीं हैं कि हमने बहुत बड़ी प्राप्ति का एक बहुत अच्छा सुनहरी अवसर गवां दिया है जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है दिन का 18 घंटा वो पढ़ाई करता है तो फिर उसकी कमाई भी कितनी ऊंची होती है भारत में और भारत के अलावा के देशों में कहा जाता है कि कई व्यक्ति एक घंटे का दस रुपया कमाता कोई व्यक्ति एक घंटे का पचास रुपया कमाता कोई व्यक्ति एक घंटे का सौ रुपया कमाता तो घंटा तो एक है लेकिन कमाई और प्राप्ति अलग अलग क्यों है क्योंकि व्यक्ति की कार्य करने की रीत कार्य करने की स्किल्स और टैलेंट्स डिफरेंट होता है तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन में अलग अलग स्किल्स को डेवलप करेंगे अलग अलग टैलेंट्स को डेवलप करेंगे तो हमारा जीवन ज्यादा संपन्न और भरपूर होगा सबसे ऊंची स्किल सबसे ऊंची टैलेंट है व्यक्ति अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए वाणी को मधुर बनाए कर्म को महान और सुखदाई बनाए भला ये स्किल हमें कहाँ से सीखने को मिलेगी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर से जो राज्यों का शिक्षण दिया जाता है वहां पर इस प्रकार की अनुभूति कराई जाती है कि आप अपने मन के विचारों को इस रीति से शुभ बनाए श्रेष्ठ बनाए जो विचार भी आपके समय की बचत में मदद करे जो आपकी वाणी भी आपके समय की बचत में मदद करे जो आपके कर्म भी आपके समय की बचत में मदद करे क्योंकि समय को काल कहा जाता है काल का अर्थ होता है व्यक्ति का अंतिम समय कहते हैं मानव जीवन क्षणभंगुर है मानव जीवन विनाशी है उसका कोई भरोसा नहीं है कभी भी उससे काल आके खा सकता है अब जब कोई बात का भरोसा नहीं है तो जो कुछ हाथ में है उसका हम सदुपयोग क्यों ना कर ले इसलिए आज से लेकर के आप ये सोचिए कि सवेरे से लेकर रात तक मैं अपने जीवन में प्राप्त हुए समय के खजाने को कैसे यूज करूं मेरे मन और बुद्धि को मैं उस रीति से स्थिर करना सीखूं जो मेरा समय कहां भी कोई भी बात में वेस्ट न जाए कहते हैं टाइम इज योर लाइफ वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ मेरा जीवन ईश्वर की ओर से प्राप्त एक अमूल्य भेंट है सौगात है और जीवन का समय भी सौगात है तो उसको हम ऐसे आनंद से खुशी से मजे से सुख रूप से बिताएं। अगर प्राप्त हुए समय का सदुपयोग नहीं किया तो वो सुख वो संतोष कहाँ से प्राप्त होगा समय की सफलता के लिए क्यों नहीं हम सवेरे उठे तब सबसे पहले अपने मन को योग अभ्यास में ईश्वर की याद में एकाग्र करने का प्रयत्न करें एक बार इस रीति से समय को और अपने मन के विचारों को हम एकाग्र करना सीख जाएंगे तो क्या होगा सारे दिन में प्राप्त समय वो सही पैमाने पर सही मार्ग पर योग रीति से उपयोग में आएगा योग्यता आती है योग से समय का योग्य उपयोग योग के द्वारा करना हम सीखते हैं और उस रीति से समय पर जिसने अपने आप को संभाल लिया कहते हैं उसका जीवन महान बन गया उसका जीवन अमर बन गया तो हमें सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं जीना है लेकिन एक विशेष मानव के रूप में इस संसार में जीना है और इसलिए हमारा समय सामान्य या साधारण रीति से व्यतीत न हो लेकिन हम अपने समय का इतना सुंदर टाइम टेबल बनाए कि आज मुझे क्या करना है आज मुझे कौन सा काम किस रीति से करना है और उसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता का हम कैसे बैलेंस करें धर्म और कर्म का कैसे बैलेंस करें संसार का कारोबार और ईश्वरीय कारोबार उसका हम कैसे बैलेंस करें तो इस रीति से अगर हम समय को बैलेंस करके यूज़ करना सीख लेंगे तो हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा इतना आनंददायी बन जाएगा इतना सुखदायी बन जाएगा कि जब हम जीवन की अंतिम घड़ियों के नज़दीक पहुँचेंगे तो हमारा जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन जाएगा देखो जितनी भी महान आत्माएँ इस धरती पर होकर गई हैं, उन्होंने भी हमारी तरह दो हाथ दो पैर दो आंखें दो कान ही थे उन्होंने भी हमारी तरह रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाए हैं उन्होंने भी इस धरती पर श्वास लिया है इस धरती पर पांव रखे हैं लेकिन क्यों वो अमर हो गए क्यों उनका जीवन प्रेरणादायी है एक ही बात महत्व की बात कि उन्होंने अपना समय कभी निष्फल नहीं गवाया उन्होंने अपना समय कभी वेस्ट नहीं किया तो आज से हम अपने आप से ये दृढ़ संकल्प करें कि इस न्यू मिलेनियम के टाइम में हम अपना जीवन भी न्यू मिलेनियम जैसा नया बनाए ओम शांति कल्पनाएं, इच्छाएं, आशाएं कितनी में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर हमें अच्छा बनना है तो हम इच्छाओं को कम करते जाएं ताकि हम अपने जीवन में संतुष्टता को ला सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और संपूर्ण बना सकते हैं